Hello guys, welcome to the channel. In this video we are gonna break down the video of TikTok. Like bande ne kaam bahut badhiya kiya hai isliye TikTok ke video break down kar raha hu. Bande ka naam hai Dannero. बहुत ही बढ़िया काम करता है, पर वो अपने सारे वीडियो शूट करता है हाई क्वालिटी कैमराज में और पोस्ट प्रोडक्शन में जाके क्लियर एडिट करता है, ताकि आप देखो तो भी आपको पता ना चले कि बंदे ने एडिट कैसा किया है. बंदा काम बहुत बढ़िया करता है, इसलिए मैंने सोचा उसका ब्रेकडाउन करते हैं. आपको भी कुछ सीखने मिलेगा, मुझे भी सीखने मिलेगा, तो मैंने वही सोच के उसका वीडियो डाउनलोड किया. तो बंदे ने काम बहुत ही बढ़िया किया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, कंप्यूटर पे चलते हैं. हेलो गाइस, सो निशांत हियर एंड दिस इज द वीडियो व्हिच वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन. सो जस्ट प्ले बिफोर वी गेट इनटू दिस ब्रेक डाउन ट्रिक. सो स्टार्ट. लाइक मजा आ गया यार, क्या वीडियो एडिट किया है बंदे ने. So in this video, like, I want to tell you that like ये बंदा जो भी शूट करता है वो प्रोफेशनल कैमरे से शूट करता है और एडिट भी प्रोफेशनली करता है, लाइक इन प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स. सो इफ यू वॉन्ट टू एडिट वीडियोज लाइक दिस, यू शूड हैव लाइक प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स, सो यू कैन एडिट वीडियोज लाइक दिस. So in this video, let's start like how he had done this all of tricks. So first there is nothing like safe jump cut on the beat. So you look, that's look good on the beat. Like dekho, starting mein aaya blackout on the beat, like flashlight upar jalaya tha usne, flashlight mein uske paas professional light hoga. वो लाइट ऊपर चला, उसके बाद ऑन द बीट ही हैज चेंज द लाइट डायरेक्शन ऑन द राइट साइड. सो द राइट आइज पे जो उसका फोकस दिख रहा है, बाद में ऑन द बीट ही चेंज द डायरेक्शन लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट, एंड वहाँ से आगे आगे जाके लाइक ये बहुत बढ़िया काम है. मास्किंग, इट्स कॉल्ड मास्किंग. अगर आपको पता हो, आप वीडियो की फील्ड में पहले से, तो आपको पता होगा कि इसको मास्किंग कहते हैं. इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है ये करने में. तो उस बंदे ने किया क्या है, ये रेक्टेंगल बनाया और जूम कर दिया. तो जूम आउट करता गया, जूम आउट 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 करता गया. बंदे ने काम बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग में किया है. देखो अभी भी उसका फेस दिख रहा है ब्लैकआउट में और उस मास्किंग में. एंड देयर इज नेक्स्ट another masking on the beat. So continuous beat जा रहे हैं, डन टन टन डन टन डन, उस बीट के हिसाब से वो कंटिन्यू मास्किंग आउट कर रहा है. लेकिन देखो ये एक क्या, वही कंटिन्यू मास्किंग उसने दूसरे में की, पर इस बार उसने चेंज क्या किया है, ये देखो उसका बैकग्राउंड देखो. ये बाहर शूट किया है उसने, ये किया था वो घर में शूट किया था. ये देखो ये घर का शूट है, ये बाहर का क्या है. लाइक बंदे ने मेहनत की, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो चार बार चिपका दिया, उसने एक्चुअली में शूट किया है उस तरीके से और फिर मास्किंग आउट करता गया. ये रहा थर्ड, ये घर में, ये फोर्थ, ये फोर्थ मास्किंग, ये भी आउटडोर है. और अब ये 3D वर्ल्ड, लाइक ये इसने कैसे किया पता नहीं. इसके लिए, इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये बंदा है ना मोस्टली आफ्टर इफेक्ट्स से यूज़ करता होगा, तभी ये इस तरीके की ट्रिक कर पाया है. ओके, सो प्रीमियर प्रो में ऐसा होता नहीं. प्रीमियर प्रो सिंपली एडिट के लिए है, आप आफ्टर इफेक्ट्स में सब कुछ कर सकते हो. ये 3D ट्रांजेक्शन आया विद द गन, द गन बाद में वो वी बना के ऊपर ले गया हाथ. देखिए मास्किंग आपने देखी किस तरीके से ले गया, तीन चार, सीधा चार बार उसने मास्किंग किया. तो मास्किंग करने में बहुत टाइम लगता है अगर आपको पता हो तो. उसके बाद उसने ये वी बनाया, वी ऊपर ले गया कॉर्नर स्क्रीन पर और बाद में ये चेंज. तो यहाँ पर भी उसने मास्किंग ही यूज़ किया, अगर आपने ध्यान से देखा हो. इस बार उस बंदे ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी. लेकिन देखो
ये ऊपर गया, यहाँ से मास्किंग स्टार्ट हुई है। ये देखो आप, ये देखो परफेक्ट, ये बराबर दिख रहा है उसका, लेकिन वी बना है उसने परफेक्ट। नेक्स्ट देखोगे आप, ये शार्प हो गया, इतने शार्प एजेस कभी नहीं होते। देखो ये देखो, यहाँ पे पता चल जाता है, अगर आप स्लो डाउन करके देखो वीडियो को तो आपको नोटिस होगा। बाकी 10 सेकंड के वीडियो में उसने 10 ट्रांजेक्शन ऐड किए तो आपको पता नहीं चलेगा, उतनी जल्दी वीडियो उतनी फास्ट पेस में निकल जाएगा। तो ये देखो ये कट, यहाँ पे देखो बहुत ही हार्ड कट है, पता चल जाता है कि यहाँ पे उसने मास्किंग की है बहुत ही हार्ड। ये देखो यहाँ पे तो पता चल जाता है, ये रहा उसका पीछे का वीडियो, ये आगे का वीडियो। ये देखो यहाँ पे ये मास्किंग, ये रहा, ये पूरा चेन ब्लैक हो गया। उसके बाद उसने यूज़ किया, लाइक डांस मूव, और ये रहा, ये भी मास्किंग है। ये तो आपको पता चल गया होगा ये बंदे ने किस तरह किया। ये देखो हाथ कैमरे के फ्रंट में लाया, ये देखो यहाँ पर भी मास्किंग है अगर आप ध्यान से देखो तो। ये देखो बंदे का पूरा ये चेंज हो गया है, ये पूरा मास्किंग है। तो आगे भी किया वो, पूरे चार जो रेक्टेंगल बनाए थे मास्किंग आउट किया, इसमें वी में मास्क बनाया उसने, यहाँ पे मास्क आउट किया। तो इस बंदे ने मोस्टली मास्किंग पे ही काम किया है, ताकि मास्किंग में होता कैसे आपको पता नहीं चलता कि पीछे आ क्या रहा है। सो बंदे ने उसमें टाइम दिया, इसलिए वीडियो निखर कर आया, और उस बंदे का अच्छा काम है। लाइक मैंने उसके सारे वीडियोज देखे, बंदे ने काम बहुत बढ़िया किया। यू शुड चेक हिज प्रोफाइल ऑन टिकटॉक। अब देखो इसने क्या किया, जूम आउट किया, ताकि उसको पता था उसको क्या दिखाना है, डॉग का फेस दिखाना है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे जूम इन किया। ये देखो ये भी मास्किंग है, ये भी मास्किंग है, मास्किंग के उसने डॉग का फेस लगा दिया और थोड़ी इफेक्ट दे दी म्यूजिक के हिसाब से, थोड़ा आगे पीछे आगे पीछे पोजीशन थोड़ी चेंज कर दी, ताकि वो ऐसा लगे कि वाइब्रेशन जैसा हो रहा है। बंदे ने डिटेलिंग बहुत काम किया है। देखो इस बार उसका फेस दिख रहा है और पीछे ये पर्दा दिख रहा है, लाइक डॉग का जब फेस आया तब आप देखना वही है, वही पर्दा दिख रहा है। देखो मतलब बंदे ने काम बहुत बढ़िया किया, बहुत ही डिटेलिंग के साथ। और ये बंदे का नाम है डेनरो, यू शुड चेक हिज प्रोफाइल ऑन टिकटॉक। आई होप आपको समझ आया हो इस बंदे ने काम कैसे किया है। मोस्टली इसने मास्किंग पर काम किया है, क्योंकि ये बंदा मुझे प्रोफेशनल फील्ड का लगता है, तो इसने मोस्टली आफ्टर इफेक्ट यूज़ की होती, वो वॉल 3D इफेक्ट के लिए। और मास्किंग तो आप प्रीमियर प्रो में भी कर सकते हो। तो मास्किंग करोगे तो क्या होगा, आपका वीडियो निखर के आएगा, फिनिशिंग के साथ करना तो ऐसा पता नहीं चलता। 10 सेकंड के वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या क्या उसने किया है, वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उतनी फास्ट पेस में जाता है कोई बंदा, उतना डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ वो आपको ही देखेगा, आपके वीडियो को ही देखेगा। ऑन द बीट एडिट करो, बहुत बढ़िया लगेगा। एक बार फिर से देखते हो उसका वीडियो, ऑन द बीट बंदे ने बढ़िया काम किया है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो का ब्रेकडाउन अच्छे से समझ में आया हो। बंदे ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, मास्किंग यूज़ की है, मास्किंग जो मास्किंग यूज़ कर रहा है बहुत टाइम जाता है उसमें। अगर आपको पता हो तो बहुत ही अच्छा, ना पता हो तो यूट्यूब पे देखना, मास्किंग में बहुत ही टाइम जाता है। और उस बंदे ने 6 से 7 मास्किंग की है, तो टाइम बहुत दिया है बंदे ने, और वीडियो भी वैसे ही बनाया है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। आप अगर वीडियो बना रहे हो मास्किंग का तो भाई मुझे टैग करना NSSINT.RTHOD, मुझे भी देखने मिलेगा कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से और आपने क्या इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से मास्किंग किया। तो वीडियो बनाओ, जाके एडिट करो, टिकटॉक पे ऐसा एडिट नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा एडिट करना है तो आपको PC में ही करना पड़ेगा, या फिर प्रीमियर प्रो और एडोब आफ्टर इफेक्ट। उसके अलावा तो पता नहीं मुझे मोबाइल में ऐसा होता है कि नहीं, पर प्रीमियर प्रो और एडोब में लाइक आफ्टर इफेक्ट में मास्किंग से वीडियो हो जाता है। आप भी करो, बताओ मुझे, टैग करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो, आपको कौन सा वीडियो ब्रेक डाउन कराना है, आपको कौन सा वीडियो सीखना है,
क्या कौन सा ऐसा वीडियो है जिसको देख के आपको लगा यार ये वीडियो मुझे बताना है, आपको बनाना है यार, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल ब्रेक डाउन दैट वीडियो एंड वी आर गोना लर्न टुगेदर, वी आर गोना मेक टुगेदर, हम दोनों के वीडियो वायरल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।